2023 यानी कि पिछले साल कितने हजारों स्टूडेंट्स ने सीवीटी का फॉर्म गलत फिल किया, पर्सनल डिटेल्स गलत डाली, सब्जेक्ट्स गलत चूज किए, लैंग्वेज तो सेलेक्ट ही नहीं करी, कैटेगरी तक गलत फिल कर दी, कुछ स्टूडेंट्स ने कम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, कुछ स्टूडेंट्स ने कम कोर्सेज सेलेक्ट किए, एंड कितने हजारों स्टूडेंट्स ने तो सीवीटी का फॉर्म फिल ही नहीं किया, एग्जाम दिया ही नहीं, एंड कितने और स्टूडेंट्स ने सही टाइम पे प्रिपरेशन भी अपनी सीवीटी की स्टार्ट ही नहीं करी, एंड सबका रीजन लैक ऑफ अवेयरनेस. 2023 is to now gone and it's time for 2024 and hence this video is all about CVT 2024 ka complete information. Now if you're watching this video and you are a 12th student, then CVT is one of the most important exams in your lives, be it as your main plan or as your backup plan. So obviously it's better to know about it right now rather than regretting about it later. So guys, let's get you familiarized with this exam. Hi everyone, welcome back to my channel. This is Ayushi. I've done my education from Delhi University, BSc plus MSc in Mathematics. Now I'm working full time and apart from that I create videos on YouTube and Instagram on college admissions, Delhi University, CVT, students ke liye, college hacks, etc. So if you want to connect with me, then you can definitely subscribe to this channel and up Instagram pe is channel pe jaake mujhe follow bhi kar sakte ho. CVT stands for Common University Entrance Test. Earlier it was known as CUCET, that is Central University's Common Entrance Test. Now CVT was introduced in 2022 only, so ye uska third time hoga. 2022 mein first time hua, 2023 mein second time hua. This would be the third time. It is a all India test, an entrance exam which is conducted by NTA, National Testing Agency, jo ki aur bhi kai sare popular entrance exams conduct karwati hai, jaise ki aapka JEE ho gaya. And this is basically to get admission in various undergraduate, postgraduate, diploma, certificate and integrated programs in various top state, central, private and deemed universities of India. Iske aane se pehle different universities apna individual entrance exam conduct karwati thi and uske basis pe admission leti thi. And ye entrance exam bhi isi cheez ko khatam karne ke liye aaya hai, to provide a common platform to all the students taki sabko ek equal opportunity mil sake. And ये एग्जाम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया इन वेरी लेस टाइम, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं. 2023 में अराउंड 14 लाख स्टूडेंट्स ने फी पे की थी इस एग्जाम के लिए, तो आप समझ सकते हो कि 2024 में तो इससे कई ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है. नाउ इफ यू वांट टू डू योर बैचलर्स डिग्री तो आपको सीबीटी यूजी देना होगा, एंड अगर आपको अपनी मास्टर्स करनी है तो आपको सीबीटी पीजी का एग्जाम देना होगा. सो अगर आप क्लास 11th या 12th के स्टूडेंट हो, क्लास 12th पास आउट हो या फिर क्लास 12th के बाद आपने ड्रॉप लिया है एंड आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए, इन दैट केस आपको सीवीटी यूजी 2024 का एग्जाम देना ही चाहिए फॉर श्योर. ये एक एग्जाम आपके लिए इतने सारे डोर्स ओपन कर देगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी इंडिया में, टोटल 250 प्लस भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो एक्सेप्ट कर रही हैं सीवीटी के स्कोर्स को, इंक्लूडिंग द टॉप यूनिवर्सिटीज इन दिस कंट्री विच आर दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU एक्सेट्रा. सीवीटी का फॉर्म फिल करना है जो फरवरी 2024 में आउट होना एक्सपेक्टेड है, उसके बाद बस एंट्रेंस एग्जाम देने जाना है, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, जैसे 2023 का रिजल्ट अभी भी आया है, उसके बाद एक स्कोर मिलेगा, उस स्कोर को लेके आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पास जाना है, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, एंड वो यूनिवर्सिटीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे, आपके स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन दे देगी. एंड अगर आपको इस एग्जाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड एंड डिफरेंट स्टेप्स भी जानने, इन दैट केस आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो वी आर दिस चैनल, सो डू सब्सक्राइब. Eligibility, you must have passed class 12th exam or some equivalent exam, या फिर you can also be appearing in the session 2024. इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, जस्ट आप क्लास 12 के पास आउट होने चाहिए. एंड हाँ, ये ना सीबीटी के एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का डिफरेंट क्राइटेरिया होगा. ये एक ऑनलाइन एग्जाम है जो कि आपको एक सेंटर पे जाके देना होगा, वो सेंटर या तो आपकी सिटी में हो सकता है या किसी डिफरेंट सिटी में भी हो सकता है. सीबीटी है इसका मोड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, तो बस आपको टिक टिक करना है, कोई रिटन एक्सप्लेनेशन, रिटन आंसर्स कुछ नहीं देने हैं. टॉकिंग अबाउट द मीडियम ऑफ द एग्जाम, सो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाया जाएगा. जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे सीबीटी का, उस टाइम पे ये आपसे मीडियम पूछेंगे, एंड क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से इस एंट्रेंस एग्जाम को दे रहे हैं जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते हैं, सो उनको चॉइस मिलेगी कि वो इन सारी लैंग्वेजेस में से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आखिर जो क्वेश्चन और आंसर्स डिस्प्ले होने वाले हैं वो कौन सी लैंग्वेज में डिस्प्ले होने वाले हैं, देन यू कैन चूज आउट ऑफ दोज लैंग्वेजेस. टॉक अबाउट द प्रेपरेशन, इतना कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसकी तैयारी तो ना पहले ही शुरू कर देनी चाहिए. एंड तैयारी करने के लिए हमारे स्टूडेंट तीन मीडियम से या फिर तीन तरीकों से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं. फर्स्ट इज आर सेल्फ स्टडी. अगर आप इस मेथड को चूज करो, इन दैट केस अभी से इमिजिएटली इसकी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो, रोज एक दो घंटा निकाल के पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि अभी ना आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, एंड में प्रेशर ना रहे, एंड में बस बोर्ड्स के बाद आप सिर्फ इसकी प्रैक्टिस में लग जाओ, दैट्स इट. रिसोर्सेज की बात करें तो बस NCERT रेफर करो और अपनी, एंड उसके साथ साथ में कुछ रेफरेंस बुक्स ले सकते हो. एक ऐसी बुक लेना जिसमें काफ़ी सारे मॉक टेस्ट हो, काफ़ी सारे मॉक पेपर्स हो,
जो कि अकॉर्डिंग टू NTA हो एंड अकॉर्डिंग टू द मतलब रीसेंट गाइडलाइंस बनाए गए हो, एंड एक ऐसी बुक ले लेना जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो। सो इन तीन बुक्स की हेल्प से, सेल्फ स्टडी की हेल्प से अगर आप अभी स्टार्ट करते हो तो आप कर सकते हो इसकी तैयारी एंड क्रैक भी कर सकते हो इस एग्जाम को। द सेकंड वे इज दैट टेक अ प्रॉपर कोचिंग, ये भी काफ़ी अच्छा मेथड रहता है अगर किसी को प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है प्रेपरेशन के टाइम पे, एंड इट्स बेटर कि इसको भी आप अभी स्टार्ट कर लो रादर देन डूइंग इट बाद में। काफ़ी सारे बैचेस एंड काफ़ी सारे कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। ऑल्सो सुपर ग्रैड्स पर टॉप रैंकर्स हैव लॉन्च देयर CVT 2024 कोर्सेज। उन्होंने लॉन्च किया अपना प्लैटिनम बैच जो कि है फॉर प्रेपरेशन ऑफ CVT 2024 एंड क्लास 12 बोर्ड्स 2024 के, दोनों की प्रेपरेशन साथ में करा देंगे। ऑनलाइन क्लासेस होंगे यहाँ पर, आप डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए इनके बैचेस होते हैं, लेकिन ये वाला बैच उनकी कॉमर्स स्ट्रीम के लिए एंड कॉमर्स के सारे सेक्शंस ये इस बैच में कवर कराएंगे। अब टॉप रैंकर्स ना इस CVT की फील्ड में काफी टाइम से है, एंड ओवर 650 स्टूडेंट्स सिक्योर 100% मार्क्स इन CVT 2023। 100 प्लस एडमिशंस हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में, 160 प्लस एडमिशंस हुए हैं नॉर्थ कैंपस में, एंड हां 4 स्टूडेंट्स दे हैव स्कोर्ड अ परफेक्ट 800/800 का स्कोर इन पास्ट CVT का एग्जाम। इनके बैच की फीचर्स की बात करें तो ये आपकी पूरी प्रॉपर प्रिपरेशन करा देंगे CVT के एग्जाम के लिए भी, साथ साथ में बोर्ड्स के लिए भी। यहाँ पर ना ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगी, वो टू वे होंगी, इंटरैक्टिव होंगी काफी, साथ साथ में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे अगर आप मिस कर दो बाय चांस क्लास को, एंड साथ साथ में काउंसलिंग रिलेटेड भी आपको वीडियो लेक्चर्स या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। फिजिकल स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, साथ में ई बुक्स भी होंगे जिसमें MCQs एंड उनके सॉल्यूशंस भी होंगे। कॉमर्स के बैच में आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि इको, अकाउंट्स, बिजनेस और मैथमेटिक्स कवर कराई जाएंगी, एंड ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो ये आपके चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे। हर चैप्टर के लिए 20 प्लस फुल लेंथ टेस्ट होंगे जिसके अंदर आपको ग्राफिकल एनालिसिस भी मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशंस होंगे सारे क्वेश्चंस के। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज गेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे, एंड साथ साथ में प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स होंगे अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस। बात करते हैं कम्युनिटी बनाएंगे ये लोग, एक ग्रुप्स आपके डिफरेंट बना दिए जाएंगे टेलीग्राम पे, फिर अलग ग्रुप्स भी होंगे जहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, एक कम्युनिटी भी फॉर्म हो जाएगी ऐसे और एस्पिरेंट्स की। सो यस, दिस इज एन ऑप्शन फॉर यू, एंड इफ यू इंटरेस्टेड देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड एनरोल, लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड द थर्ड मेथड ऑफ प्रेपरेशन इज गोइंग टू बी टेकिंग अ क्रैश कोर्स। अभी क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स लेते हैं एंड टाइम पे एकदम, मतलब जो आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स हो जाते हैं उसके बाद एक दो महीने जब बचते हैं CVT के एग्जाम होने में, उस टाइम पे लोग एक क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, उस कोर्स के साथ प्रिपरेशन करते हैं। बट इस टाइम पे अगर आपको पता चल गया है इसके बारे में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अभी जब मैं इसको शूट कर रही हूँ July 2023 में, इन दैट केस आप डेफिनेटली फर्स्ट टू मेथड्स के साथ जा सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन। पेपर होगा हमारे तीन सेक्शंस में, सेक्शन वन इज योर लैंग्वेज का सेक्शन, इसमें 33 लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिया जाएगा, एक तो सेलेक्ट करनी ही करनी है, दो भी कर सकते हो मतलब डिपेंडिंग अपन द कोर्स है। सेकंड सेक्शन होगा डोमेन लैंग्वेजेस का, मतलब डोमेन सब्जेक्ट्स का, जिसमें अराउंड 27 डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे, एंड थर्ड सेक्शन होगा आपका जनरल टेस्ट का। एंड इसमें से भी ना सारे सेक्शंस देने जरूरी नहीं होते हैं, उसके अंदर भी ना जो इतनी सारी चॉइसेस हैं वो सारे सब्जेक्ट्स चूज करने जरूरी नहीं होते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स करना है, आपको कौन सा कोर्स करना है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर्म फिल करते टाइम ढंग से फॉर्म फिल करना पड़ता है, नहीं तो एंड में जाके बहुत सारे स्टूडेंट्स रिग्रेट करते हैं। करते हैं डेट्स के बारे में, अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्केड्यूल या फिर डेट्स कुछ रिलीज नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया, एक रफ स्केड्यूल ऐसा कुछ होगा। सबसे पहले आपकी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स होंगे, उसके साथ साथ उसके टाइम पर ही आपकी CVT की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये होगा आपका ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा वही मई जून में जैसे इस बार ही हो रहा है उसी टाइम पर। अब क्योंकि एग्जाम इतना बड़ा है, इतने सारे ऑप्शंस इसके अंदर दिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक दिन में तो होगा नहीं, ऑलमोस्ट एक महीना तो पूरा एग्जाम टोटल सब कुछ मिला के चलता है क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जाम को दे रहे हैं, उसके साथ साथ में कितने सारे ऑप्शंस बनते हैं। एक स्टूडेंट का जरूरी नहीं है कि सारे एग्जाम्स एक ही दिन हो जाए, मतलब होता क्या है ना इसके एक एग्जाम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पेपर देने होते हैं, ठीक है, एंड जरूरी नहीं है एक स्टूडेंट का एक ही दिन में सारे पेपर खत्म हो जाए, तो इसलिए ये चलता है काफ़ी टाइम तक, एंड बस फिर इसका रिजल्ट आएगा आपका जुलाई में। So yes guys, this was all about CVT 2024 का exam, उसकी complete information. I hope that you really like this video. If you did like the video, please hit the like button to subscribe to my channel. And yeah, if you have any questions, then feel free to put in the comment section below. नहीं तो आप Instagram पे भी पूछ सकते हो DM करके at this handle, मतलब ये Instagram handle है, you can go and follow me there. And yeah, you can also apply for a one-on-one mentorship call with me. And yeah, that's all about this video. I really hope that this was helpful. I'll see you in my next video. Till then, keep watching my other videos. And bye bye.